तेरे ना हुए तो किसी के ना रहे दीवानी तू मेरी। सो इंटर में जो थ्री लेयर स्टेटस वाला वीडियो देखे, इस टाइप की वीडियो भी इंस्टाग्राम रील में बहुत ही ज्यादा वायरल है और वे ट्रेंड में चल रहा है। अगर आपको वे क्रिएट करना मतलब एडिटिंग सीखना है तो इस वीडियो को जरूर लास्ट तक देखना, मैं आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो को जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं। सो वीडियो बनाने के लिए सबसे पहले आपको इन शॉर्ट एप्लीकेशन को ओपन करना है। ओपन करने के बाद कुछ इस टाइप का इंटरफेस देखने के लिए मिलेगा। उसके बाद यहाँ पर मिलेगा वीडियो ऑप्शन, यहाँ पे क्लिक करना है। जैसे क्लिक करते हैं यहाँ पर मिलेगा दो और ऑप्शन, वीडियो एंड फोटो। तो सबसे पहले आपको फोटो के ऊपर क्लिक करना है और आपको एक ब्लैक इमेज को यहाँ पर ऐड करना है, ठीक है। तो देख सकते हो मेरा ब्लैक इमेज यहाँ पे ऐड हो चुका है। तो इस तरह से आपको कर लेना है। ब्लैक इमेज ऐड हो जाने के बाद अब क्या करना है, सबसे पहले इस वीडियो का रेशियो को आपको 9:16 वाले रेशियो में सेट करना है। तो जो कि मेरा पहले से देख सकते हैं 9:16 वाले रेशियो में सेट, अगर आपका नहीं रहेगा तो यहाँ पर मिलेगा कन्वर्सल ऑप्शन, यहाँ पर क्लिक करना है। नीचे मिलेगा बहुत सा रेशियो, थोड़ा सा स्लाइड करके यहाँ पर 9:16 वाले रेशियो के ऊपर क्लिक करना है, उसको डन के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद अब क्या करना है, सबसे पहले इस फोटो का ड्यूरेशन को अब आपको लॉन्ग कर लेना है, जितने सेकंड या फिर जितने मिनट में आपको वीडियो क्रिएट करना है। तो ऊपर मिलेगा बहुत सारा टूल्स, थोड़ा सा स्लाइड करना है, यहाँ पर मिलेगा ड्यूरेशन ऑप्शन, यहाँ पे क्लिक करना है। पेंसिल के आइकन में जाना है और यहाँ पर आपको लिख लेना है। तो डेमो के लिए मैं 15 सेकंड का क्रिएट कर रहा हूँ। अगर आपको 1 मिनट 30 सेकंड 25 सेकंड या फिर उससे और ज़्यादा चाहिए तो यहाँ पर आपको लिख लेना है, तो ऑटोमेटिक यहाँ पर ड्यूरेशन जो है लॉन्ग हो जाएगा, जो कि देख सकते हैं यहाँ पर मेरा हो चुका है, ठीक है। तो इस तरह से आपको कर लेना है। उसके बाद अब क्या करना, वीडियो के स्टार्टिंग में आना है। आने के बाद यहाँ पर अब आपको फोटो सबको ऐड करना है। तो फोटो ऐड करने के लिए यहाँ पर मिलेगा पीआईपी ऑप्शन, यहाँ पे क्लिक करना है, फोटो के ऊपर क्लिक करना है। तो देख सकते हो मैंने यहाँ पे एक कपल वाला फोटो को ऐड कर लिया हूँ। तो इस तरह से आपको ऐड कर लें। उसके बाद अब क्या करना, आपको फुल स्क्रीन पर कर लेना है ये फोटो को। उसके बाद इसका ड्यूरेशन वीडियो का लास्ट तक कर लेना है, ठीक है, ये देख सकते हो। उसके बाद अब क्या करना, आपको यहाँ पे वीडियो के स्टार्टिंग में आना है। आने के बाद यहाँ पे सेम फोटो को और एक बार आपको मतलब दो बार और ऐड करना है, ठीक है। तो पीपी प्लस वाला आइकन मिलेगा, यहाँ पे जाना है, सेम फोटो को यहाँ पर ऐड कर लेना है, फुल स्क्रीन पर करना है। एंड यहाँ पे मिलेगा क्रॉप वाला ऑप्शन, यहाँ पे क्लिक करना है। एंड आपको 16:9 वाला रेशियो देख सकते हैं, यूट्यूब का रेशियो, इस रेशियो में फोटो को क्रॉप कर लेना है, ठीक है, कुछ इस तरह से। उसके बाद ऊपर में यहाँ पे करना है सेट यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पे सेट करने के बाद इसका डिवीजन वीडियो का लास्ट तक कर लें, ठीक है। एंड अब क्या करना है, ये ऊपर वाला फोटो को आपको यहाँ पे कॉपी या फिर डुप्लीकेट कर लेना है, कुछ इस तरह से। एंड नीचे में भी आपको सेट करना है, ठीक है, देख सकते हो यहाँ पे कुछ इस तरह से। उसके बाद यहाँ पे नीचे मतलब मिडिल वाले जो फोटो है इसमें आपको क्लिक कर लेना है एक बार। उसके बाद यहाँ पे मिलेगा मास्क वाला ऑप्शन, यहाँ पे क्लिक करना है। एंड आपको ऊपर नीचे थोड़ा सा शेडो क्रिएट करना है, ठीक है, ब्लर शेडो। तो यहाँ पे ये सेकंड नंबर जो ऑप्शन है इसमें जाना है कुछ इस तरह से, इस तरह से आपको छोटा कर लेना है, ठीक है, इस तरह से। एंड ब्लर शेडो क्रिएट करने के लिए आपको नीचे देख सकते एक एरो मिलेगा, ये एरो को नीचे को स्क्रॉल करना है। तो यहाँ पे इस तरह से शेडो क्रिएट हो जाएगा, ये देख सकते हो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे डन के ऊपर क्लिक करना है, देख सकते हैं यहाँ पे कुछ इस तरह से हो जाएगा। उसके बाद अब क्या करना है, ये फोटो को आपको फ्लिप करना है, मतलब देख सकते हो लड़का जो है बीच वाला फोटो में देख सकते हो लड़का है इस साइड में, तो आपको इस साइड में कर लेना है, मतलब लेफ्ट की ओर कर लेना है। एंड लड़की है लेफ्ट की ओर तो राइट की ओर कर लेना है। तो फ्लिप करने के लिए आपको क्या करना है, ये जो फोटो है बीच वाला फोटो को आपको थोड़ा सा इस तरह से छोटा कर लेना है। एंड यहाँ पे ये जो एरो मिलेगा देख सकते हैं यहाँ पे ये एरो के ऊपर एक बार आपको क्लिक करना है, तो फोटो यहाँ पे फ्लिप हो जाएगा। उसके बाद आपको फुल स्क्रीन पर कर लेना है कुछ इस तरह से, थोड़ा सा छोटा कर लेना है और, ठीक है, कुछ इस तरह से, ठीक है, देख सकते हो फोटो मेरा फ्लिप हो जाएगा, ठीक है। इतना हो जाने के बाद अब क्या करना, आपको एक इफेक्ट वाला वीडियो को ऐड कर लेना है, ग्लिच इफेक्ट। उसके लिए आपको पीओपी प्लस वाला आइकन मिलेगा, यहाँ पे क्लिक करना है, वीडियो के ऊपर क्लिक करना है और आपको एक इफेक्ट वाला वीडियो को यहाँ पर ऐड करना है, ठीक है। तो देख सकते हो यहाँ पे ग्लिच इफेक्ट वाला वीडियो को ऐड कर लेना है, थोड़ा सा स्लाइड करना है। एंड आपको फुल स्क्रीन पर करना है ये वीडियो को। उसके बाद यहाँ पे मिलेगा ब्लेंड वाला ऑप्शन, यहाँ पे क्लिक करना है और आपको स्क्रीन मोड में कर लेना है, देख सकते हैं यहाँ पे कुछ इस तरह से मेरा इफेक्ट वाला वीडियो मेरा ऐड हो चुका है। तो इस तरह से आपको कर लेना है, ठीक है। इतना करने के बाद अब क्या करना, इसका जो ऑपेसिटी है थोड़ा सा आपको घटा लेना है, 70 या फिर 60% में कर लेना है कुछ इस तरह से। उसके बाद यहाँ पे डन के ऊपर क्लिक करना है, अगर आपको डन के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद अब क्या करना, यहाँ पे एक सॉन्ग को ऐड करना है, मतलब ट्रेंडिंग वाले जो सॉन्ग चल रहे वो सॉन्ग को यहाँ पे ऐड करना है। तो सॉन्ग ऐड करने के लिए वीडियो के स्टार्टिंग में आना है। आने के बाद यहाँ पे म्यूजिक वाला ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पे जाना है म्यूजिक प्लस माई म्यूजिक में, जाकर यहाँ से आप सॉन्ग को ऐड कर सकते हो।
तो देख सकते हो मेरा जो सॉन्ग है यहाँ पे ऐड हो चुका है, उसको डन के ऊपर क्लिक करना है। इतना कर लेने के बाद अब क्या करना, वीडियो के स्टार्टिंग में आने के बाद यहाँ पे अब आपको इमोजी वगैरह अगर आपको ऐड करना है या फिर यूजर नेम लिखना है तो उसके लिए आपको यहाँ पे मिलेगा टी वाला ऑप्शन, टेक्स्ट वाला ऑप्शन, यहाँ पे क्लिक करना है टी प्लस। उसका सबसे पहले यहाँ पे इमोजी ऐड कर लेता हूँ, ये देख सकते हो, ठीक है। उसका डबल ए के ऊपर क्लिक करना है एंड जो फॉन्ट रहेगा आपको iOS 16 वाला फॉन्ट को ऐड कर लेना है, देख सकते हो यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद डन के ऊपर क्लिक करना है, थोड़ा सा छोटा कर लेने इमोजी को और इस जगह पे सेट कर लेने, ठीक है। एंड इसका डिवीजन वीडियो को लास्ट तक कर लेने। एंड अगर आपको यूजर नेम ऐड करना है तो टी प्लस के ऊपर फिर से आपको क्लिक करना है, यहाँ पे आपको यूजर नेम लिख लेना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कलर को करना है चेंज, व्हाइट कर लेने। उसके बाद फॉन्ट को आपको जो भी आपको फॉन्ट चाहिए वो फॉन्ट को ऐड कर लेने, ठीक है, ये देख सकते हो। उसके बाद यहाँ पे डन के ऊपर क्लिक करना है, यूजर नेम को छोटा कर लेना है एंड इस जगह पे करना है सेट, या फिर ऊपर नीचे जहाँ आपको सेट करना रहेगा वहाँ आप सेट कर सकते हो। एंड इसका ड्यूरेशन वीडियो का लास्ट तक कर लेने, उसके बाद डन के ऊपर क्लिक करना है। तो फाइनली गाइस मेरा वीडियो इंट्रो के साथ थ्री लेयर स्टेटस वाला वीडियो बन के रेडी हो चुका है, देख सकते हो स्क्रीन पर। तो इस तरह से आप वीडियो को बना सकते हो, मैंने आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप बता दिया हूँ, आई होप कि आपको हर एक स्टेप समझ आ चुका है। एंड अब क्या करना है, इस वीडियो को करना है सेव। सेव करने के लिए ऊपर मिलेगा सेव वाला ऑप्शन, यहाँ पे क्लिक करना है। फ्रेम रेट है 60 करके वीडियो को हाई क्वालिटी में सेव करना है। तो मेरा जो वीडियो पे सेव होने स्टार्ट हो चुका है। सो या थैंक्स वॉचिंग। सो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।